बहुत अद्वितीय क्षमता के धनी, मैं उनका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंचस्थ सभी अधिकारीगण और आप सब, मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए कई कई प्रकार से अलग अलग तरह से पूरे देश में मनाया जाता है, और हम सब जानते हैं कि ये एक कोई भी त्यौहार अगर अपन उठा के देखें, उस त्यौहार का अपने आप का एक अलग ही मनाने का समय, मनाने का तरीका, मनाने का महत्व और प्रकृति से उसका संबंध, परमात्मा की इस रचना में हमको ज्ञान, दर्शन, एहसास सभी कराता है। और हमारे यहाँ तो ये कही गया है, खास करके चूंकि ये महिला सशक्तिकरण का पूरा सप्ताह हमने घोषित किया है, यत्य नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ हमारा वो ऐसा देश है जहाँ पर सदैव नारियों की पूजा होती है, इसीलिए देवताओं का वास अपने देश में होता है। यह हमारा सौभाग्य है, बहनों की, महिलाओं की इज्जत का। हमारे देश से बढ़कर के कोई देश ऐसा नहीं है, कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जहाँ बहन बेटियों की इज्जत इस प्रकार से की जाती। जिस देश के अंदर देश को खुद को माता के रूप में माना गया, 200 से ज़्यादा देश दुनिया के अंदर है, और दुनिया में 200 से ज़्यादा देशों में कोई अमेरिका माता नहीं कहता, इंग्लैंड माता नहीं कहता है, लेकिन दुनिया में एक ही देश है, भारत माता। हमने अपनी माता से संबंध जोड़ करके या अपनी विशेषता को ले जा करके दुनिया के सामने प्रकटीकरण किया है। हमने देवताओं को नहीं देखा है, देवी देवताओं की केवल कल्पना की, लेकिन देवी देवताओं की कल्पना को साकार करने के लिए खाली माँ की तरफ देख ले तो देवता की महत्ता अपने आप समझ में आ जाती है कि देवी देवता माँ इतना प्यार लुटाती है, माँ अलग प्रकार से सेवा करती है, माँ का मातृत्व तो ऐसा होता है कि कदम कदम पे एक बच्चे से लेकर के बड़े होने तक माँ के प्रति विशेष भाव हमारा सबका मन में आता है। माँ बोलते ही आंखों में एक अलग प्रकार का आनंद का, उत्साह का, अपनत्व का, आत्मीयता का जो भाव जागृत होता है, उस भाव की किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती, किसी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। और इसीलिए कदम कदम पे हमारे सारे त्योहारों में, और तो और हमारे देवी देवताओं के, राधा कृष्ण का मंदिर, सीताराम का मंदिर, माँ का नाम आगे, पिताजी का पीछे, भैया का पीछे, लेकिन उनको जोड़े बिना हमारी पूजा ही नहीं होती। देवी देवताओं में हमसे लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो हमको न जानने वाले लोग हैं वो जरूर कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत करो, वो वाके बताने लगे अंग्रेज लोग हमको, नहीं तुमसे पहले हमारे मंदिर जाके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगी, तुम्हारे मंदिर में नहीं मिलेगा ये, हमारे यहाँ जरूर मिलेगा। और एक ये केवल देवी देवता की पूजा का सवाल नहीं है, ये मकर संक्रांति पर्व की बात करें, मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ, वाकई अद्भुत देव अपने नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए हमारे सबके मन में एक विशेष आदर, प्रेम, स्नेह, एहसास, कदम कदम पे उनके द्वारा जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मोदी ही अपने आप में पर्याप्त गारंटी इस बात की कि देश के अंदर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिसके आधार पर हम तो 142 करोड़ देशवासी तो अपनी जगह है, दुनिया का हर देश का नेता, हर देश का नागरिक, और तो और बगल का पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व इमरान खान तक कह चुके, काश मोदी हमारे देश के होते, काश मोदी जी से हमारे नेता सीख लेते, वो अपने देश के लोगों में लानत मारते। और वाकई हमारा अपने देश के अंदर ऐसे नेतृत्व होने के ही कारण है कि जीवन के सब क्षेत्रों में सभी प्रकार के उन्नति के दरवाजे खोलने वाला तरफ अगर कोई बढ़ा रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी सुंदर बात करी उनने, उनने कहा कि मेरे इस देश के अंदर केवल चार श्रेणियां हैं, केवल चार जातियां हैं, और चारों जातियों में उनने पूरा देश अंदर रख लिया। उनने कहा महिला, किसान, युवा, गरीब, ये कुल चार जातियां, और चारों का उत्थान हमको करना है। अब बताओ इन चारों को अगर जोड़ के इनका उन्नति कर दो तो देश में बचेगा क्या? इतना सुंदर विचार किसी के मन में आता है, उनका नाम केवल नरेंद्र मोदी है ये जो कल्पना है, और केवल शब्दों से नहीं बोलते, केवल बात के लिए बात नहीं करते, वो जो कहते तो जो कहते हैं वो, ये देखो आप मेरे से अच्छा जानते हो,
तो हाँ, ऐसे व्यक्ति के लिए, उनके अपने भाव के लिए, ये अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री के पीछे वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन, एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने लिए, अगर आप अपने आप के लिए सहमत है तो बताओ कैसे बढ़ाओगे, जरा जोरदार ताली बजा करके, हमारे सारे त्योहार। देखो, हमारे लिए ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये पर्व की अलग से पवित्रता भी है। इसके अंदर का जो भाव है, उस बहनों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। सुहाग का सामान अगर देने के लिए कोई पर्व आता है तो कौन सा साल में एक बार पर्व आएगा? सारा सुहाग का सामान बहन बेटी, सरकार किसी की कोई कार्यक्रम करे कि मत करे, ऐसा नहीं कि हम कार्यक्रम कर रहे तो आप शुरू कर रहे हो, आप तो पहले से ही कर रहे हो। आप तो कह रहे हो ठीक है, आपको धन्यवाद, आपने कर लिया। नहीं तो संक्रांति के आने के पहले पहले सब बहन बेटी अपना अपना सामान समेटती हुई तैयारी करती कि नहीं करती? और हमको मालूम है कि ये सुहागन का सामान दे करके हम हरेक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, एक स्वस्थ परिवार की कामना करते हैं, एक स्वस्थ संस्कृति को लेके चलते हैं। और उसी आधार पर अपने अपने, कोई गरीब होगा तो गरीब से गरीब भी 11 सामान तो बांटते ही बांटता है, बांटता कि नहीं बांटता? अभी कोई कंगन बांट देगा तो कोई कंगा बांट देगा, बांटेगा जरूर, और नहीं तो माथे की टिक्की तो बांट ही देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो मिल ही जाएगी सब। दूर एक पत्ता ही तो देना है, लेकिन वो पत्ता नहीं देना, पत्ते के पीछे प्रेम देना, सम्मान देना, आदर देना, ये जो अंदर का भाव है। और उसको भी खाली नहीं देते, गुड़ तिल मिठाई भी देते साथ में। और ये तिल और गुड़ जीवन की मिठास भी लाता है, और तिल के माध्यम से हमारी ऋतु को भी नमस्कार, ये शीत ऋतु का समय रहता है तो तिल का उपयोग करना चाहिए, संस्कार भी हम दे रहे हैं। इसी के पीछे पीछे हमारा और एक विज्ञान भी छिपा हुआ है कि संक्रांति से ऐसा मानते कि सूर्य देवता धीरे धीरे तिल तिल करके आगे बढ़ते जाएंगे और रात छोटी होती जाएगी, दिन लगातार निकलता जाएगा, बड़े दिन प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये जो अपना उत्तरायण प्रारंभ होने का उत्सव भी अगर कोई है तो ये संक्रांति है। इस संक्रांति के बलबूते पर हम अपने संक्रांति से दिन की शुरुआत के आधार पर उत्तरायण की शुरुआत कराते हैं। और उत्तरायण का मतलब ही है जीवन में हमारे, तो प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, और दीप का मतलब ही सूर्य देवता को स्मरण करना। बिना सूर्य के संस्कृति कैसे चल सकती, जीवन कैसे चल सकता, किसी का जीवन चल सकता है क्या? तो बिना सूर्य के, बिना प्रकाश के, बिना ऊर्जा के संसार में अंधेरा आए, तो अंधेरे को चीर के आगे बढ़ने का विश्वास दिलाने वाला अगर कोई त्यौहार है तो संस्कृति का पर्व मकर संक्रांति का पर्व है। और इसीलिए इसको अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। कितने प्रकार से मनाते हैं, आप अपने तरह से मनाओगे, बच्चे पतंग उड़ा के मनाते हैं, और ये पतंग भी अपने आप में उपकरण का काम करता है। बच्चों को विटामिन डी मिले, वो ठंड में छत पे जाकर के सूर्य की धूप ले, तो लेंगे कैसे? तो पतंग के बहाने से वो पतंग तो उड़ाएंगे, बाद में पतंग का आनंद बाद में लेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा शरीर के साथ विटामिन डी देने का तरीका भी कितना अच्छा अपने यहाँ जोड़ लिया है। अब ये अपने कितने अच्छे ऋषि मुनि अपने सारे त्यौहार में कोई ना कोई चीज जोड़ करके कितने प्रकार का अपना ज्ञान देते हैं जो समाज के लिए उपयोगी है। तो आज इस अवसर पर इतना ही नहीं, अपने यहाँ तो बहुत गाँव के अंदर गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, कितने प्रकार के, कोई लंगड़ी पौवा खेलेगा, कोई रस्सी कूद खेलेगा, कितने प्रकार से खेल होते हैं। हमने कहा सरकार होगी तब ऐसे ही चलेगी, सारे संस्कृति के सारे पर्व सारे आनंद के साथ मनाओ, संक्रांत मनाओ, एक दिन में थोड़ी मनाएंगे, तो पूरा सप्ताह मनाएंगे अपने आज से लेके 15 तारीख तक, और सारे विभागों को लगाया। और इन विभागों के माध्यम से आज के इस अवसर पर जब अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन ने ये सारे त्यौहार के अलावा भी, खास करके आज अपन ने बहन बेटियों के लिए उनकी अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में, जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए भी। अब सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे, मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा, तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, अपन तो उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन जिसका हक है वो तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आज अपने में से हर एक कोई के चेहरे पे एक विशेष खुशी है, आप सबको माननीय मोदी जी की तरफ से ये मैं बधाई देना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि निःशक्त जनों के लिए भी
जो 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की अलग अलग प्रकार की पेंशन चल रही है, उन पेंशन के माध्यम से भारत सरकार माननीय मोदी जी के लिए एक बार फिर अभिनंदन करें। हमारे यहां पर विभिन्न प्रकार की 22,23,469 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सारे के सारे वृद्ध जन, विधवा, दिव्यांग सभी हितग्राहियों को अपन ये पेंशन की राशि दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और खास करके राज्य शासन द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, इसके अंतर्गत 34,59,545 निराश्रित वृद्धजन, बीपीएल प्रत्यक्ता महिला कल्याणी, अविवाहिता, दिव्यांगजन जो आयकर दाता ना हो, इन सबके लिए भी अलग से अपन राशि का प्रबंधन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आज तक जिस प्रकार से आज अपन ने यहाँ बैठे बैठे आपके सबके माध्यम से 56,83,014 पेंशन हितग्राहियों को 340.98 करोड़ की राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। सच्चे अर्थों में संक्रांत तो तब बनेगी जब हाथ में लक्ष्मी आए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन आने वाली लक्ष्मी का उपयोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सबको लेके चलने के लिए, पूरे परिवार की चिंता करने के लिए ये सरकार की रकम आपके हाथ में पहुंचा रहा है। हमको मालूम गुरु नानक जी ने कहा है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया, तो अपने बाप का क्या जा रही है, आपका माल आपके पास, इतने अच्छा हो सकता उतना ही तो करना पड़ेगा। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।